बात को मानता हूं और मैं ये जानता हूं कि आप भी उस बात को मानते और जानते हैं कि भावनाओं का जो सुमनार्पण होता है उसका मुकाबिल कोई कभी नहीं हो सकता। और इसीलिए हम ये कहें कि आज हम यहां जो जमा हुए हैं, ये बहाना हमने क्यों तलाशा है, तो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि ये जश्न, ये महफिलें सब तमाशे हैं, बहाने हैं। ये जश्न, ये महफिलें सब तमाशे हैं, बहाने हैं। कुछ लोगों की कोशिश है कि कुछ लोग बहल जाएं। और ये जो बहलने का साधन हमने जुटाया, ये यहां सिर्फ व्यक्तियों के बहलने की बात नहीं है, हम यहां समस्त मानवता को सहलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि जब ये तमाशा देखा तेरी महफिल में, कहीं रोशनी है कहीं अंधेरा, मुकद्दर चराहों के बदले हुए है, कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है, मानवता पीड़ित है। ऐसी अवस्था में हम जब ये देखें कि कवि हृदय क्या सोचता है, कवि हृदय क्या लिखता है, और एक और भी एक बात वो खास ये है कि कवि जो लिखते हैं वो हमें कैसा दिखता है। एक बार निराला जी किसी विश्वविद्यालय में गए थे, हिंदी विभाग में गए, और हिंदी विभाग में वहां से वे बात बात करके मीटिंग करके जब निकल रहे थे तो गैलरी में एक कमरे में से उनकी राम की शक्ति पूजा कविता पढ़ाने की बड़ी प्रसिद्ध दीर्घ कविता उनकी को आवाजें आ रही थी, तो ठिठके दरवाजे तक पीछे लौटे, अंदर झांका, इजाजत ली और अंदर गए और क्षमा मांगते हुए व्याख्याता महोदय से कहा कि महोदय अगर आप बुरा ना माने तो मैं बताऊं कि मैंने इस कविता में क्या कहना चाहा है। मैंने वो नहीं कहना चाहा जो आप कह रहे हैं बता रहे हैं, मैंने ये कहना चाहा। उनका मंतव्य ये नहीं था कि व्याख्याता का अपमान करें, लेकिन यहां से ये बात निकल कर आती है कि लिखने वाले ने जो लिखा है और पढ़ने वाले को जो दिखा है, इन दोनों के बीच में तालमेल कितना हो सकता है ये निर्भर करता है हमारी यानी श्रोताओं की ग्राह्यता पर। तो मैं चाहूंगा कि आज हमारे जो मंचस्थ कविगण हैं और भी आएंगे कविगण, वे भी काव्य पाठ करेंगे। फिलहाल मैं इस क्रम में जिन्हें सबसे पहले आमंत्रित करने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि इन कवियों की भावनाओं को आप अपनी ग्राह्यता के अनुरूप उस हिसाब से लीजिए कि जिसमें कम से कम मानवता करा है नहीं लेकिन हम मानवता को सहला सके। मैं सबसे पहले बुलाने जा रहा हूं कि वीरेंद्र ओझा जी यहाँ पधारे और अपनी कविताएं हमारे आपके समक्ष रखें। निवेदन वीरेंद्र जी से, मुझे सिर्फ खूबसूरती नहीं एक सिंसियर भी चाहिए, मुझे सिर्फ महबूबा ही नहीं एक शख्सियत भी चाहिए, मुझे कचहरी नहीं उसमें मुझसे ईमानदार होना चाहिए, मुझे सिर्फ महबूबा ही नहीं एक शख्सियत भी चाहिए, मुझे कचहरी नहीं मुझसे ईमानदार होना चाहिए, देश में हिंदू मुस्लिम ईसाई नहीं वतन पर मरने वाले जवान होने चाहिए, देश में हिंदू मुस्लिम ईसाई ही नहीं वतन पर बन रहा जमा होने चाहिए, वक्त पूरा बीत गया तेरे इंतजार में, वक्त पूरा बीत गया तेरे इंतजार में, अब कब्र में कम से कम तेरा साथ होना चाहिए। राजस्थान के लोग बड़े बहादुर होते हैं, उन्हीं की दो लाइनें हैं, अपने कबीले से कह दो, अपने कबीले से कह दो कुछ और तराशे तुझको, अपने कबीले से कह दो कुछ और तराशे तुझको, वह सूरज से चिरागों को लड़ाने वाला तेरी ओर आ रहा है, उसके माथे पर उड़ता व दुपट्टा हवा के झोंकों से, उसके माथे पर उड़ता व दुपट्टा हवा के झोंकों से, कहता उससे संभाल मुझे हवा की शरारतों से, उसके माथे पर उड़ता व दुपट्टा हवा के झोंकों से, कहता मुझसे संभाल मुझे हवा के शरारतों से, बढ़कर संभाला क्या उस दुपट्टे की शोखी को, बढ़कर संभाला क्या उस दुपट्टे की शोखी को, तसव्वुर के चिराग धधकने लगे दिल के हर कोने में, तसव्वुर के चिराग धधकने लगे हर कोने में, बहुत खूब जी। इश्क को बेवजह बदनाम किया लोगों ने, उसने तो सिर्फ जिंदगी दी है, इसको बेवजह बदनाम किया लोगों ने, उसने तो सिर्फ जिंदगी दी है, हुस्न अगर मेहरबान हुआ तो क्या हुआ, हुस्न अगर मेहरबान हुआ तो क्या हुआ, तेरी बदरंग आंखों को ख्वाबों से भर दिया उसने, बहुत खूब।
मिलावटों का दौर इतना भारी है, मिलावटों का दौर इतना भारी है, लोग मेरी ही पहचान पर सवाल उठा रहे हैं। लोग मिलावटों का दौर इतना भारी है, मिलावटों का दौर इतना भारी है, लोग मेरी ही पहचान पर सवाल उठा रहे, जो हमें पढ़ रहे शब्दों में बांट कर वह भी लफ्जों को फोड़ फोड़ कर मुस्कुराते हैं, जो हमें पढ़ रहे शब्दों में बांट कर वह भी लफ्जों में खोल कर मुझे आ रहे, विश्वास इतने नीचे गिरता जा रहा, बेटा पिता से हलफनामा में मांग रहा, विश्वास इतना नीचे गिरता जा रहा, बेटा पिता से हलफनामा में मांग रहा, वह दावा प्यार का कर रही सुबह शाम, दावा प्यार का कर रही सुबह शाम, वह दावा प्यार का कर रही सुबह शाम, पर न छोड़ कर जाने का भरोसा भी हर वक्त उससे मांग रही, वह दावा प्यार का कर रही सुबह शाम, पर न छोड़कर जाने का भरोसा भी हर वक्त मांग रही, वह एक कब्रिस्तान है, वह कब्रिस्तान है जो सबको बता रहा पहचान तेरी आज कुछ भी हो, वह कब्रिस्तान है जो बता रहा सबको पहचान आज तेरी कुछ भी हो, अंत में पहचान तेरी मैं ही बनकर उभरूंगा, किसी पर एतबार कर या न कर, किसी पर एतबार कर या न कर, मेरी जमीन की मिट्टी हटेगी तेरे लिए, इसका भरोसा तू मुझसे आज ले, वाह इसका भरोसा तुम सुन, बहुत खूब, बस तालियां इस पे तो होनी चाहिए। सांसों ने कहा मुझसे तू किस वह में जिंदा है, सांसों ने कहा मुझसे तू किस वह में जिंदा है, उसकी नाराजगी तेरे होते हुए मुझे मार डालेगी, उसकी नाराजगी तेरे होते हुए मुझे मार, बहुत खूब बहुत खूब। तूने कुछ खास मांगा नहीं जब वक्त तेरे हाथ था, तूने कुछ खास मांगा नहीं जब वक्त तेरे हाथ था, मांगा वही जो पहले से तेरे पास था, वाह मांगा वही बहुत खूब। मैंने सोच लिया अब मैं तुझसे कोई गुजारिश नहीं करूंगा, पर तेरे फैसले का इंतजार था उम्र करूंगा, बस तालियां बजती रहे माहौल बनता रहे, बस तालियां बजती रहे माहौल बनता रहे, हम तो आए हैं आपसे इश्क करने, इस कारण तुम पर चढ़ता रहे, ये इश्क को बोलिए बहुत बहुत। जरूरी नहीं है हर बात के लिए लबों को तकलीफ देना, जरूरी नहीं है हर बात के लिए लबों को तकलीफ देना, कुछ बात निगाहों से ही कह सकती हो, कुछ बात निगाहों से, बहुत निगाहों की बातें। जब से मैंने तुझ पर लिखना शुरू किया झील के किनारों पर, यह चांद झील से नाराज हो गया, अब वह नहीं आता झील में रिहाइश के लिए, और बस है कुछ तो कितनी भी खफा हो पर एक बंदिश है मेरी, तुझे हर पल एक याद की शक्ल में आना होगा, मैं अकेला नहीं रहता कोई और भी रहता है मेरे अंदर, यह बात और है अभी उसकी रजामंदी मैंने ली थी, कोई नहीं मिलता बेवजह काफिला मील का पत्थर मंजिल या तो। अच्छी नज़्म है, छोटी देवी बड़ी अच्छी नज़्म, उसको बिखरना ही था, ये गुलमोहर का फूल होता है ना, गुलमोहर का फूल गिरता है, गुलमोहर का फूल क्या है, एक सिंबल है लव का, तो गुलमोहर का फूल जो गिरता है उसके बारे में कहा है उसको बिखरना ही था, इल्जाम मुझ पर या आंखों पर लगना ही था, उसको बिखरना ही था इल्जाम उस पर या आंखों पर, अच्छा शेर, अच्छा शेर। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंधों में चार महीने हैं, जो पाकिस्तान अलग हो गया और वो किसी रास्ते पे जा नहीं पा रहा है उस पे चार महीने हैं, वो हिंदुस्तान बोल रहा पाकिस्तान से, मेरे यकीन पर सवाल न कर, मेरे यकीन पर सवाल न कर, मैं रकीब तेरा उफक तक हूँ, रकीब मतलब दुश्मन, उफक क्षितिज, मेरे यकीन पर सवाल न कर, मैं रकीब तेरा उफक तक हूँ, मेरे अपनों की खुदाई पर तू बात न कर,
मेरे यकीन पर सवाल न कर, मैं तेरा रकीब तेरा उफक तक हूँ, मेरे अपनों की खुदारी पर तू बात न कर, अपने हम सफर का भी ख्याल कर। मेरे अपनों की खुदारी पर नमाज कर, अपने हम सफर का तू ख्याल कर, जो तेरे काफिले में चल रहे साथ तेरे, अपने देशवासियों की मुराद, जो तेरे काफिले में चल रहे साथ तेरे, उनको अपनी सरदारी का सबूत दे, हिजरत ही सही, देश निकाला हिजरत ही सही, किसी मंजिल का तुम्हें एहसास दे। वाह, हिजरत ही सही किसी मंजिल का एहसास। वाह, मैं समुंदर था तू दरिया थी, मैं समुंदर था तू दरिया थी, तू आने को बेताब मेरी तरफ, मैं समुंदर था तू दरिया थी, तू आने को बेताब मेरी तरफ, पर हर बार दरिया ही क्यों पत्थरों से लड़कर समुंदर तक पहुंचे। मैं समुंदर था तू दरिया थी, तू आने को बेताब मेरी तरफ, पर हर बार दरिया ही क्यों उस पत्थरों से लड़कर समुंदर तक पहुंचे। कभी समुंदर को भी दरिया तक चलकर आना चाहिए। ये मानो भी ठीक है। पाकिस्तान हिंदुस्तान पे है, जो हमारा बंटवारा हुआ उसका उसकी पीड़ा है। कभी हम एक थे, कभी हम एक थे, जिस्म ही नहीं धड़कने भी, कभी हम एक थे जिस्म में ही नहीं धड़कनों में भी, अब सरहद पार हम सांस लिया करते हैं। कभी हम एक थे जिस्म ही नहीं धड़कनों में भी, अब सरहद पार हम सांसें लिया करते हैं। जितना हक था तेरा, जितना हक था तेरा, जितना हक था ज्यादा दिया बंटवारे में तेरी हर जिद को मारकर, जितना हक था तेरा उससे ज्यादा दिया बंटवारे में तेरी हर जिद को मानकर, फिर भी नफरत इतनी हमसे से पूछती है कि हम तरक्की पसंद है। ये जो नीला आसमान है ना, ये जो नीला आसमान है ना, उससे कह दो कुछ और ऊपर हो जाए, ये जो नीला आसमान है ना, उससे कह दो कुछ और ऊपर हो जाए, मेरे हौसलों की उड़ान कुछ ऊंची है। बहुत खूब, सलाम आपके इन हौसलों को। वह पूछ गया चराग तो क्या हुआ, वो बुझ गया, बुझ गया चराग तो क्या हुआ, आंधियां भी तो हांफ रही लड़कर उससे। वो बुझ गया चराग तो क्या हुआ, आंधियां भी हांफ रही लड़कर उससे। याद करने का मतलब सिर्फ इश्क ही नहीं है, याद करने का मतलब इश्क ही नहीं है, तुझे याद करने का मतलब सिर्फ इश्क ही नहीं है, कुछ तहजीब भी है खर पा पूछने की। यह रास्ता आसान नहीं, यह रास्ता आसान नहीं मैं जानता हूँ, यह रास्ता आसान नहीं यह जानता हूँ मैं, पर जिंदगी अगर कठिन रास्तों पर मिलती है तो क्या करूँ मैं। वो शेर मुकद्दर इरशाद साहब से, यह रास्ता नहीं है यह जानता हूँ मैं, पर जिंदगी अगर कठिन रास्तों पर मिलती है तो मैं क्या करूँ। कभी लम्हों की तस्वीर बनाई मैंने, कभी लस्मों कभी लम्हों की तस्वीर बनाई मैंने, वो कुछ और नहीं तेरी सूरत थी। वाह क्या बात है, मुकर्रर इरशाद से लेकर फिर से कहिए। कभी लम्हों की तस्वीर बनाई मैंने जी, वो कुछ और नहीं तेरी सूरत थी। रिश्तों से हटकर कहां जाओगी, रिश्तों से हटकर कहां जाओगी, दीवार से हटी छत पर साथ तक चलूंगी। वाह वाह, बहुत खूबसूरत तालियां होनी चाहिए इस मिश्र पर। ये शेर का मिश्रा ही अपने आप में बहुत लाजवाब मिश्रा है। हारने से मुझे कोई परहेज नहीं, हारने से मुझे कोई गुरेज नहीं, पर मुझे लड़ने तो दो, शिकस्त आ शिकस्त हो गई हमारी आज तो क्या हुआ। हारने से मुझे कोई गुरेज नहीं, पर मुझे लड़ने तो दो, शिकस्त हो गई आज हमारी तो क्या हुआ, आज हम लहूलुहान है तो क्या हुआ। जिन्होंने कभी हराया था मुझसे जाकर पूछो उनको, हारने से मुझे कोई गुरेज नहीं, पर मुझे लड़ने तो दो, शिकस्त हो गई आज हमारी तो क्या हुआ, आज हम लहूलुहान है तो क्या हुआ। जिन्होंने कभी हराया था मुझको जाकर उनसे पूछो, जीत का जश्न कितने दिन चला सकता, यह ख्वाब यह नींद और तेरा यह रिश्ता, यह ख्वाब यह नींद और तेरा यह रिश्ता क्या है, बगैर एक के दूसरा नहीं आता, बगैर एक के दूसरा नहीं। ये चुपचाप हम लोग क्या शांत रहते हैं, देश में कोई हंगामा और कुछ करते नहीं है, ये चुपचाप मंजर देखने वालों, ये चुपचाप मंजर देखने वालों, ये आग तुम्हारे दर्द को बुझ जाएगी। ये बहुत बड़ी चेतावनी दी है, कम से कम इस शेर को आप एक बार फिर से पढ़ाएंगे, मुझे लगता है कि अभी तक इसकी गंभीरता समझे नहीं है। मुकर्रर इरशाद साहब ने ये शेर चुपचाप मंजर देखने वालों, ये चुपचाप मंजर देखने वालों, ये आग तुम्हारे दर्द को बुझ जाएगी, ये चुपचाप मंजर देखने वालों, ये आग तुम्हारे दर्द को बुझ जाएगी। मेरी कश्ती को वह डुबा ले गया, मेरी कश्ती को वह तूफान डुबा ले गया जी,
पर किनारों पर थक कर वहां पड़ा। क्या बात है, बहुत अच्छी कलम है आपकी, बहुत अच्छी। नमक अपनी साख खो गया, नमक अपनी साख खो गया, मेरी जख्मों पर वह बेअसर हो गया। नमक अपनी साख खो गया, मेरे जख्मों पर वह बेअसर हो गया। मैं पाप देखना तेरा बंद कर दूंगा, मैं तेरे ख्वाब देखना बंद कर दूंगा, बस यह बता दो मुझको बिना ख्वाबों के कैसे जिया जाता है। क्या बात कही, माँ तेरी धड़कनों में एक सुकूनी रूहानियत है, माँ तेरी धड़कनों में एक सुकूनी रूहानियत है, दिल करता है बस सजदा कर दूं। माँ तेरी धड़कनों में एक सुकूनी रूहानियत है, दिल करता है बस यही धड़क सजदा कर दूं। ये तेरी और मेरे बीच जो दीवार बन गई है, ये तेरी और मेरे बीच जो दीवार बन गई है, उसका गिरना है जरूर, उसका ये तेरे हर पाकिस्तान में है, ये तेरे और मेरे बीच जो दीवार बन गई है, उसका गिरना है जरूरी, पर तेरा हाथ भी उस दीवार पर पड़ना है जरूरी। उसने कहा मुझे दफनाओ मत बल्कि जला दो, उसने कहा मुझे दफनाओ मत बल्कि जला दो। ख्वाहिशें धीरे धीरे की कुतरन से बहुत डरती है, ख्वाहिशें धीरे धीरे। एक मैं आपको सुनाता हूँ, राम पे लॉर्ड राम का आजकल मैं लिख रहा हूँ, मेरी अगली कविता किताब में लॉर्ड राम बहुत हैं। जब ये राम जीत लेते हैं लंका को, और राम जब ये सोचते हैं मैं सीता की अग्नि परीक्षा लूंगा, उसके पहले जो राम की मानसिक दशा है उस पर मैं आपको दो लाइन सुनाता हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा। ये स्वागत है, राम ये जैसे राम लंका जीते हैं, राम बोलते लक्ष्मण से जाओ सीता को ले आओ, उस समय की राम की कोई मनोदशा है। देखो लक्ष्मण इस बिखरी लंका को, देखो लक्ष्मण इस बिखरी लंका को, वैभव जिससे परिभाषित था वो वैभव हीन संधारित है। देखो लक्ष्मण इस बिखरी लंका को, वैभव जिससे परिभाषित था वैभव हीन संधारित है। वह रावण शक्ति पुंज महादेव वरदानों से वह भूषित था, आज गिरा धरा पर अंतिम सांसों से संचालित है। देखो लक्ष्मण बिखरी लंका को, वैभव जिससे परिभाषित था वह वैभवहीन संहारित है। वह रावण शक्ति पुंज महादेव वरदानों से जो भूषित था, आज गिरा धरा पर सांसों से संचालित है। सब कह रहे थे कभी पिता वचन को तोड़ तुम लौट चलो तुम घर को, कभी कह रहे थे कभी पिता वचन को तोड़ तुम लौट चलो तुम घर को। माता की जिद थी भरत तो पूरा अस्थिर था, जनता विवल थी तुम भी उद्वेलित थे, पिता के निर्णय से तुम सब पिछड़े थे। सीता एकमात्र थी जिसका कोई प्रश्न नहीं था, मेरे राज या वंश से उसका कोई इतना सत्य नहीं था, वह एक बात पर काबिज थी, राम जहां वहां सीता है बाकी सब कुछ मिथ्या है। सीता एकमात्र थी जिसका कोई प्रश्न नहीं था, मेरे राजवन से उसका कोई इतना सत्य नहीं था, वह एक बात पर काबिज थी, राम जहां वहां सीता है बाकी सब कुछ मिथ्या है। लक्ष्मण कर कष्टों को किसी ने भोगा है, वह सुकुमार जनक की पुत्री है, हमने तुमने रावण के पुरुषार्थ को जीता है पर उसने रावण की माया को जीता है। मेरे पास थे अंगद योद्धा लक्ष्मण हनुमान अंगद जामुन महावीर, वह माया की नगरी में माया से लड़ती एक वीर, शस्त्र विहीन वीरांगना रावण माया से प्रतिबाधित थी, उसके चरणों का प्रताप युग युग गाया जाएगा, रकुल के पुरुषार्थों पर उसका वंदन चढ़ाएगा। यह एक संग्राम था राम का महासंग्राम अधिशेष है, यह एक संग्राम था राम का महासंग्राम अभिशेष है, उसकी परीक्षा का दौर अभी अभिशेष है। राम से प्रश्नों का युग आरंभ होगा वो विधानों से, मेरे ऊपर आक्षेपों का युग आरंभ होगा विधानों से, मेरे कृत्यों पर प्रश्नों की ज्वाला आएगी, मर्यादा पुरुषोत्तम भी देंगे उत्तर आने वाले वर्षों को, पर मेरे अंदर निश्चय है मेरे अपने कृत्यों पर, गलत है राम या सही है राम यह युग निर्धारित कर देगा, पर सीता का सत्य सर्वदा ही सर्वपर वह रकुल को बल देगा, सीता राम का उच्चारण ही पाप मुक्तिदायी होगा, राम नहीं सीता होगी सीता राम ध्वनि के पाप उच्चारण में, देर नहीं करो हे शेष जी ले आओ तुम सीता को, मेरे अपने संयम का परिचय मुझको देना होगा। धन्यवाद।